नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। केरल के पत्रकार को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी जमानत, यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। पंजाब में रेल ब्लॉकेट, किसान संगठन अपनी मांगों पर बरकरार, केंद्र के साथ बातचीत बेनतीजा। कोरोना अपडेट, देश में पिछले 24 घंटों में 29,163 नए मामले, 449 मरीजों की मौत। खुशखबर, मिलोट पर्सनल लिबर्टी यानी क्या और किसकी। उच्चतम न्यायालय ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार के बाद जान गंवा देने वाली दलित युवती के घर हाथरस जा रहे केरल के एक पत्रकार की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने हालांकि इस पत्रकार की जमानत के लिए केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की याचिका 20 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी, लेकिन साथ ही सवाल किया कि इस राहत के लिए यूनियन इलाहाबाद उच्च न्यायालय क्यों नहीं गई। पीठ ने कहा, हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह इस समय मामले के गुढ़ दोष पर कोई टिप्पणी नहीं है। पीठ ने अपने आदेश में कहा, नोटिस जारी किया जाए जिसका जवाब 20 नवंबर तक देना है। इसी बीच याचिकाकर्ता को प्रतिवादी राज्य सरकार के अस्थायी वकील को याचिका की प्रति देने की अनुमति दी जाती है। पत्रकारों के संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गिरफ्तार पत्रकार को जमानत देने का अनुरोध किया। कहा कि मथुरा में दर्ज प्राथमिकी में उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। पंजाब के किसान संगठनों और केंद्र के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू हो चुकी है। बातचीत में किसानों ने आने वाले दिनों में चर्चा को और आगे बढ़ाने का संकेत भी दिया है। शुक्रवार को एक किसान संगठन को छोड़कर सभी किसान संगठनों ने दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 सदस्यों वाले मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की। इस बातचीत में रेल सेवा को बंद करने के आपात मुद्दे पर बात हुई। रेल बंद होने के चलते राज्य में जरूरी चीजों की आपूर्ति रुक गई है। 7 घंटे चली यह लंबी बातचीत उस बैठक के एक महीने बाद आयोजित की गई जिसमें किसानों ने वॉकआउट कर दिया था। किसानों की शिकायत थी कि वहां कोई भी मंत्री स्तर का प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। उसके पहले केंद्र सरकार से बातचीत के न्योते को भी सभी संगठनों ने नकार दिया था। शुक्रवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने केंद्र सरकार की तरफ से किसानों से बातचीत की। पंजाब में किसान संगठनों के समन्वयक डॉक्टर दर्शन पाल ने न्यूज क्लिक को बताया कि दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। दोनों पक्षों ने अपनी बात मिलनसार ढंग से सामने रखी। उन्होंने कहा, किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों ने अपने मुद्दे विस्तृत ढंग से बैठक में रखे। हमारा मानना है कि अगर इस तरीके का सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखा गया तो आने वाले दिनों में यह बातचीत जारी रह सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज मंगलवार यानी 17 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 29,163 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 449 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 40,791 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में 12,077 मामले कम हुए हैं। देश भर में अब कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 88,74,290 हो गई है, जिनमें से अब तक 1,30,519 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार रिकवरी रेट में आज 0.15% की बढ़ोतरी के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 93.42% हो गया है। यानी अब तक कुल मरीजों में से 82,90,370 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है। देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 5.10% यानी 453,401 हो गई है। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 12,65,42,907 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 8,44,382 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में हुई है। खोज खबर में वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत न मिलने और रिपब्लिक टीवी के अर्णव गोस्वामी को पर्सनल लिबर्टी के आधार पर आत्महत्या के मामले में जमानत देने की तुलना की। साथ ही भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार 83 साल के फादर स्टेन स्वामी के मार्मिक पत्र और स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के ट्वीट का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या सबके लिए न्याय समान नहीं है। पर्सनल लिबर्टी
शायद आप समझ रहे होंगे कि हम बात कर रहे हैं सिर्फ रिपब्लिक टीवी के अर्णब गोस्वामी और उन्हें अंतरिम बेल देने वाले सुप्रीम कोर्ट के बारे में। शायद आप यूं समझ सकते हैं कि हम शुरुआत यहां से कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस समय जो सुसाइड का केस, सुसाइड के लिए मजबूर करने का केस अर्णब गोस्वामी पे चल रहा है महाराष्ट्र में, उसमें अंतरिम बेल के लिए जब उनके वकील पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, तब तुरंत उनको अंतरिम बेल देते हुए अदालत ने बहुत अहम बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो पर्सनल लिबर्टी है, इससे जुड़े हुए जो मसले हैं, इनके बारे में जो हाई कोर्ट है देश के, वे गंभीरता से और संवेदनशील ढंग से सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उन्हें पर्सनल लिबर्टी का खास ध्यान रखना चाहिए। और यह कहते हुए उन्होंने तुरंत ही पहली सुनवाई में ही अर्णब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दे दी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस को सीधे सीधे निर्देश दिया था कि वह उनके फैसले के लिए इंतजार ना करें, उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाए। और इसके बाद हमने, आपने, पूरे देश ने, पूछता भारत ने देखा कि अर्णब गोस्वामी किस तरह से खुली कार में नारे लगाते हुए बाहर निकले, आजादी का जश्न मना। सुप्रीम कोर्ट में 16 नवंबर को जो सुनवाई हुई, आज वह मामला था कि किस तरह से जो गिरफ्तारी हुई है केरल के पत्रकार सिद्दीक की, उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। आपको यहां बता दें कि 5 अक्टूबर से ये जो पत्रकार हैं, यह गिरफ्तार हैं, और अभी तक इन्हें बताया नहीं गया है कि इनका आरोप क्या है। अर्णब गोस्वामी वाले मामले से बहुत फर्क है इनका मामला, निश्चित तौर पर प्रोफाइल भी फर्क है। यह एक पत्रकार हैं जो जा रहे थे उत्तर प्रदेश में हाथरस बलात्कार कांड पर रिपोर्ट करने। इन्हें बाकी 3 लोगों के साथ यह कहते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया कि वे हाथरस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं। वह क्या षड्यंत्र था, अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। हम बात नवंबर में कर रहे हैं। उनके परिवार वालों को और खास तौर से उनकी पत्नी तक को न बात करने दी जा रही है, न संपर्क हो पा रहा है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी की नई परिभाषा गढ़ी। उन्होंने कहा वह उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस जारी कर रहे हैं, 20 नवंबर को दोबारा सुनवाई होगी। और साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट आने के बजाय लोग हाई कोर्ट में जा सकते थे। यह पर्सनल लिबर्टी या इस तरह से सीधे सीधे फैसला देना कि हम यहां फैसला सुना रहे हैं और वहां व्यक्ति को जमानत मिल जाए, अभी तक किसी अदालत को डॉक्टर कफील के मामले में याद नहीं आई। वही डॉक्टर कफील जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने तब गिरफ्तार किया जब वह गोरखपुर में तमाम बच्चों की जिंदगियां बचाने में लगे हुए थे, या फिर पत्रकार प्रशांत कनौजिया के मामले में उन्हें जमानत मिल जाती है लेकिन जमानत से मिलने के बाद जेल से छूटने में बहुत दिन लग जाते हैं। इस देश में संविधान लागू है और संविधान के मुताबिक आप और हम बराबर हैं। सिर्फ आप और हम ही नहीं, इस देश के तमाम नागरिक बराबर हैं अदालत की नजर में, कानून की नजर में, तमाम नीतियों की नजर में। हमारे और आपके बीच भेदभाव नहीं हो सकता। आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है वही मेरी पर्सनल लिबर्टी है। अर्णब गोस्वामी की जो पर्सनल लिबर्टी है वही पर्सनल लिबर्टी सिद्दीक की होनी चाहिए, वही पर्सनल लिबर्टी पत्रकार प्रशांत कनौजिया की होनी चाहिए, डॉक्टर कफील की होनी चाहिए, या यूं कहें तमाम लोगों की होनी चाहिए जो पक्ष में खड़े हैं या विपक्ष में खड़े हैं। लेकिन आज की तारीख में ऐसा होता दिख नहीं रहा, और इसके लिए बेहद जरूरी है कुणाल कामरा पर बात करना। बिल्कुल अलग ढंग की चीज कुणाल कामरा हमारे बीच लेकर आए हैं। बेहद नौजवान हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, तमाम बातों पे बहुत तीखी तीखी बात रखते हैं। और देखिए इस सारे के सारे एपिसोड में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है
कि उनके ट्वीट से अवमानना हुई है। उन्होंने अर्णब गोस्वामी को जिस तरह से अंतरिम जमानत दी गई उस पर काफी तीखे ट्वीट किए, काफी तीखे विचार अपने व्यक्त रखे, जिस पर कई जो वकील हैं उन्होंने गुजारिश की कि यह कोर्ट की अवमानना है और उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। वो लंबी प्रक्रिया है जो अपनाई गई। इसे देखते हुए कुणाल कामरा ने दोबारा सोशल मीडिया पर ट्वीट डाला। यह ट्वीट पढ़ने लायक है और यह बताता है कि आज का जो नौजवान है वह किस तरह से सोच समझ रहा है, अदालतों से और लोकतंत्र से किस तरह की अपेक्षा रखे हुए है। इसमें वह साफ कहते हैं कि समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है अदालत को, मैंने जो कहा है वह मैं मिटाने नहीं जा रहा हूं और इस पर जिस भी तरह का फैसला लेना हो अदालत को अदालत ले सकती है, क्योंकि मेरे लिहाज से जो पर्सनल लिबर्टी है उस पर अदालत को डिस्क्रिमिनेट या भेदभाव नहीं करना चाहिए, या जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया बाकी लोगों की पर्सनल लिबर्टी जिस तरह से बाधित हो रही है वह अनचैलेंज्ड नहीं जानी चाहिए, यानी सवाल उठना चाहिए। और शायद आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप और हम सत्ता से सवाल उठा पाते हैं या नहीं। पर्सनल लिबर्टी की बात एक और पत्र में बेहद खूबसूरत ढंग से कही गई है, बेहद मार्मिक है वह पत्र, और कम से कम पर्सनल लिबर्टी पर जितनी भी बातें चल रही हैं उन बातों के केंद्र में इस पत्र को पढ़ा जाना बेहद जरूरी है। छोटा सा पत्र है जिसे जेल से लिखा है 83 साल के फादर स्टेन स्वामी ने। इन्हें गिरफ्तार किया NIA ने, किस आरोप में, भीमा कोरेगांव में जो हिंसा हुई उससे जोड़ते हुए इनकी गिरफ्तारी हुई। बहुत से लोग इस पूरे के पूरे केस में गिरफ्तार हैं जिन पर अलग अलग ढंग से अलग अलग समय पर हम बात कर चुके हैं। यहां पर यह जो पत्र है यह बताता है कि किस तरह से जेल में मानवता जिंदा है। ह्यूमैनिटी इज लाइफ इज बबलिंग इन जेल, इस शीर्षक से यह पत्र सामने आया है सोशल मीडिया पे। यह पत्र उन्होंने अपने एक साथी को रांची में लिखा, उसके कुछ अंश इस समय सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। इस पत्र में पढ़कर बहुत सी चीजें सामने आती हैं कि जिस समय इस बुजुर्ग व्यक्ति को जिसने पूरी जिंदगी झारखंड के आदिवासियों की सेवा करने में लगाई, वहां वे आश्रम चलाते हैं, तमाम तरह के अधिकारों की बात करते रहे हैं, यह व्यक्ति जो पार्किंसन बीमारी से पीड़ित हैं, इन्होंने 6 नवंबर को कोर्ट में एक दरख्वास्त दी। यह दरख्वास्त देखिए अपने आप में बड़ी अनूठी है। इन्होंने कहा कि मेरे हाथ पे हाथ कांपते हैं, मुझे पानी पीने में मुश्किल होती है, मैं कप नहीं उठा पाता हूं, इसलिए मेहरबानी करके मिलॉर्ड मुझे एक सिपर और एक स्ट्रॉ मिलने की इजाजत दी जाए ताकि मैं पानी अपने आप पी सकूं। और अदालत ने, मिलॉर्ड्स ने बखूबी अंजाम दिया पर्सनल लिबर्टी को। 6 नवंबर को अपील डाली, उन्होंने कहा 20 दिन बाद इसकी सुनवाई होगी, इस मामले पर हम क्या फैसला सुनाएंगे, NIA कोर्ट में मामला चल रहा है। यह बुजुर्ग व्यक्ति अपने पत्र में लिखते हैं, बताते हैं विस्तार में कि किस तरह से वह जिंदा है जेल में। वह बताते हैं कि कितना छोटा सा एक जो सेल है जिसमें वो दो लोगों के साथ हैं, वे दो लोग किस तरह से इन्हें खाना खाने में, रात का खाना खाने में मदद करते हैं क्योंकि वे अपने हाथ से खाना खाने में असमर्थ हैं। सुबह का नाश्ता और दिन का खाना, भीमा कोरेगांव मामले में बाकी जो लोग गिरफ्तार हैं उनमें से 2-3 लोग मदद करते हैं उन्हें नाश्ता और चाय और खाना खिलाने में। एक उनके साथी मदद करते हैं कि वे नहा सकें और इससे वो इतने अभिभूत हैं बाकी जेल में जो अपने बाकी लोग हैं उनके साथ, वे कहते हैं कि मानवता जिंदा है। और मानवता जिंदा ही नहीं है, वह धधक रही है जेल के भीतर। यह पत्र पर्सनल लिबर्टी को नए ढंग से परिभाषित करता है, एक नए ढंग की डेफिनेशन
की मांग करता है कि आखिर इस बुजुर्ग ने जो भी अपराध एनआईए की नजर में किया हो, क्या उसे एक सिपर और एक स्ट्रॉ नहीं मिल सकता? इस पे किसी अदालत को क्या तवज्जो नहीं देनी चाहिए? आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।